एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और तीन हमारी डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। तीन जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने बम हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पर बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और तीन लोहे के कंटेनर जिनका एक एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव का किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के अभी वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में, उस इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में धारा FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सबस्टांस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें कि कोई गतिविधियां क्या हैं, कहां मैंने विरोध किया था तुम्हें कुछ। देखिए जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपेंद्र है। कहां से जा रहे थे, कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, इनकी ग्रोवी हो सकती है।
देखिए गिरोह से या आतंकी गिरोह से बिल्कुल जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, वही इनको एक्सप्लोजिव्स और एनडीपीएस की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। देखिए इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके, ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह बिल्कुल, देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है और दो कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो भेज चुका है। बरामद क्या क्या हुआ है सर, बरामद क्या क्या हुआ है? देखिए जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। सर क्या बरामद क्या हुआ है? जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे अभी पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं जी है? जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट देके रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। देखिए अभी जो हमारी डीडीडीएस की टीम है वो मौके पे आई हुई है, अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि हो सके, अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो बीडीडीएस टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर सर, ये जो टीम में ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी? देखिए हमने जो एफआईआर है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और हमारी जो एएसपी इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपए के आसपास बरामद। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था, इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई, राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है, वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था, राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई, इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टेक्ट में थे, वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर।